हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडीए एजुकेशन। सो टुडे फॉर विंटर एडमिशन आई एम गोइंग टू गिव यू वन अपडेट एंड दैट इज अगेन फ्रॉम वन मोस्ट रेप्यूटेड आईआईटी ऑफ इंडिया। सो दैट इज आईआईटी मद्रास। सो वी कैन से दैट नंबर वन आईआईटी ऑफ इंडिया। तो आईआईटी मद्रास में फ्रेंड्स विंटर एडमिशन से रिलेटेड फॉर्म्स आउट हो गए हैं। सो व्हेन यू विल टाइप आईआईटी मद्रास ऑन द गूगल, सो दिस टाइप ऑफ पेज विल ओपन अप। सो जस्ट गो टू रिसर्च सेक्शन। सो व्हेन यू विल गो टू रिसर्च सेक्शन, सो दिस पेज विल ओपन अप। ओके, एंड हेयर यू कैन सी दैट फॉर पीएचडी, फॉर डायरेक्ट पीएचडी एंड फॉर एमएस बाय रिसर्च एडमिशंस आर नाउ ओपन। ओके, एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2022। तो 8th नवंबर इसकी लास्ट डेट है टिल 5 PM। ऑलरेडी आपको पता है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसकी डेट जा चुकी है। ओके, और जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सारी की सारी गाइडलाइंस यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो दोबारा से न्यूली रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो बीटेक अगर आपने किया हुआ है या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स टू पीएचडी जा सकते हो, बीटेक किया हुआ है तो एमएस के लिए जा सकते हो, या फिर बीटेक किया हुआ तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी आप जा सकते हो। एक और ख़ास बात जो इसमें बताया कि इस बार जो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है वो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एमएस पीएचडी की सीट्स अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिर्फ एससी एसटी कैटेगरीज जो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में फॉर्म फिल कर सकती हैं, अदर्स नीड नॉट अप्लाई। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि एंड क्या स्कॉलरशिप रहने वाला है पीएचडी डायरेक्ट पीएचडी का, तो वो 31,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 35,000 फॉर सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स, एमएस के लिए 12,400। ओके, तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट्स आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, देन एडमिशन ब्रोशर इज देयर, तो एडमिशन ब्रोशर को आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो 8th नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, और देन उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का इंटीमेशन दे दिया जाएगा थ्रू मेल, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, एंड फीस दे सकते हो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपीज़, एंड मेल कैंडिडेट्स फॉर फीमेल इट इज़ 50, फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इट इज़ 50। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेक दिस ब्रोशर, तो ब्रोशर को आप चेक कर सकते हो क्या क्या रिसर्च एरिया रहने वाले हैं। इसके अलावा ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम्स भी रहने वाले हैं फॉरेन की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ आईआईटी मद्रास का कोलेब्रेशन है, तो उनके साथ भी यहाँ पर आपको ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। ओके, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप, अ फ्यू कैंडिडेट्स मे आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी और एमएस प्रोग्राम विदाउट असिस्टेंटशिप, सो दैट इज़ नॉन एसटीआरए अंडर रेगुलर कैटेगरी। ठीक है, तो ये इसमें आप विदाउट असिस्टेंटशिप भी आपको एडमिट किया जा सकता है इसमें। एंड देन आपका टेस्ट और इंटरव्यू है इसमें, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होना है मेनली, एंड क्या फीस रहेगी वो सारा कुछ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप इस ब्रोशर को चेक कर सकते हो। तो एमएस डायरेक्ट पीएचडी एंड पीएचडी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स एलिजिबल हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एंड ये मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो इस ब्रोशर को। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, अगर बी बी टेक किया हुआ है फिर मास्टर्स किया हुआ है देन आप एलिजिबल हैं। तो ये पूरा ब्रोशर है आईआईटी मद्रास। अगेन, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर दें। लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 8th of November। इंपॉर्टेंट डेट्स दोबारा से देख लेते हैं। 8th नवंबर लास्ट डेट है इसका। ठीक है, एंड दिस इज ज्वाइंट डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, तो ज्वाइंट पीएचडी बिटवीन आईआईटी मद्रास एंड रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट आफ्टर एनरोलिंग इनटू आईआईटी मद्रास पीएचडी प्रोग्राम। तो जैसे ही आप आईआईटी मद्रास के पीएचडी प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो जाता है तो ज्वाइंट पीएचडी भी आपको करवाई जा सकती है। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ आईआईटी मद्रास का कोलेबोरेशन है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पर भी विजिट करने के लिए भेजा जा सकता है और यहाँ पर भी आप अपनी रिसर्च कैरी आउट कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई कर दें। 8th नवंबर लास्ट डेट है, अप टू 5 PM। ओके, एंड फ्रॉम योर पीडीए साइड, दोज हु वॉन्ट टू प्रिपेयर
for mock interviews and want to take guidance regarding SOP, SOR, LOR, so they can fill the Google form attached in the description of this video. And for any query, you can contact on the number given below. So thank you very much, friends. Keep watching Yourpedia. Thanks once again.